नमस्कारम, गुड आफ्टरनून, आदाब और वाणकम। बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ। काफ़ी सारे र्यूमर्स चल रहे हैं IBPS PO SO क्लर्क जो 2017 में परीक्षाएं हुई थी रिगार्डिंग उसके रिजल्ट की, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे बात की जाए और आपको जो सही सही चीज़ें हैं, जो फैक्ट्स हैं वो बताई जाएँ। साथ ही साथ देश में बहुत कुछ हो रहा है जो स्टूडेंट के कच्चे मन पर प्रभाव डालता है, उसके बारे में भी आपसे आज बात करूंगा। सबसे पहले आइए उन मुद्दों को देखते हैं। देखिए, बहुत सारे टीवी चैनल्स में, बहुत सारे सोशल मीडिया पर ये चल रहा है, वो चल रहा है। सबसे पहले आप सभी से, जो स्टूडेंट कम्युनिटी है जो एग्जाम्स दे रहे हैं, हु आर अपीयरिंग इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, प्लीज मैं आपसे एक ही गुजारिश करता हूँ कि डोंट बिलीव ऑन र्यूमर्स। जो अफवाहें उड़ती हैं, जो गलत बयानी होती हैं, उस पर बिलीव ना करें। आपकी उम्र नहीं है इन सब चीज़ों पर बिलीव करके अपना कीमती वक्त ज़ाया करने के लिए। आप अपने मिशन पे लगे रहें कि मुझे एक नौकरी लेनी है। तो प्लीज़, पहला मेरा यही दरख्वास्त होगी आपसे, इट विल बी अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, दैट डोंट बिलीव ऑन र्यूमर्स। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे SBI का जो क्लर्क था वो पोस्टपोन हो गया किन्हीं कारणों से, तो और काफ़ी सारे एग्जाम्स, अब जैसे देखिए अब मई जून आता है तो फिर RRB का फिर से नोटिफिकेशन आएगा, फिर थोड़े दिनों बाद हो सकता है कि इंश्योरेंस जो है न्यू इंडिया एश्योरेंस वह भी अपना नोटिफिकेशन लेके आएगा। तो दोस्तों देखिए, आपके पास अभी समय है, इस समय को ज़ाया मत करिए, डोंट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम। अभी जो नेचर है वो भी अपना रौद्र रूप दिखा रहा है, गर्मियाँ इस बार बहुत पड़ेंगी ऐसा अनुमान है, आपको इन सब चीज़ों से भी दो चार होना है। तो आप ये समय को यूटिलाइज करें और ये 2-3 महीने में जो भी आपके वीक एरियाज हैं, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ्स हो, और इट कैन बी इंग्लिश और GK, आप उसे ब्रशअप करें और स्ट्रेंथन करें, यही आपकी ताकत बनेगी। बाद में एग्जाम्स का सीजन शुरू हो जाएगा और फिर आपको टाइम नहीं मिल पाएगा। तो ये हमारी सेकेंड रिक्वेस्ट है आप सभी से। देखिए, अब रिजल्ट की बात, बहुत सारी क्वेरीज भी हमें आ रही थी। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि जो वेट लिस्ट है दैट विल बी आउट ऑन 31st March 2018, आई रिपीट 31st March 2018, एंड फाइनल रिजल्ट ऑफ IBPS POSO एंड क्लर्क 2017 विल बी, आई रिपीट, विल बी आउट ऑन 1st April 2018 लेट इवनिंग। माना कि यह संडे है और मैं ये कोई अप्रैल फूल नहीं बना रहा हूं आपको, यह रिजल्ट 101% 1st April लेट इवनिंग को आ जाएगा। और आप सबके लिए यही उम्मीद करता हूं कि खुशखबरी होगी। देखिए, और मैं एक नई चीज आज ये भी बताना चाहता हूं कि हमारा चैनल जो है, मैं हम कुछ उसी पे लगे हुए थे, इट विल बी अवेलेबल विद अ न्यू फ्लेवर, एक नए कलेवर में, एक नए अंदाज में 2 अप्रैल 2018 से अवेलेबल होगा। नया नाम होगा, नए एजेंडा पॉइंट्स होंगे, आप जुड़े रहें हमारे चैनल से। और देखिए, हमने गिव अवे भी अनाउंस करा था, उसका भी रिजल्ट जो है वो 2nd April 2018 को, द रिजल्ट ऑफ द गिव अवे विल बी अनाउंस्ड। बहुत सारे मुद्दे हैं आपके सामने लाने हैं, बहुत सारी चीज़ों पर जो हमें नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करनी है। तो स्टे ट्यून टिल 2nd April 2018। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, मैं ये बता दूँ, कमेंट्स जो हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द चैनल। कोई भी कमेंट्स हो आपको, आप जरूर हमें भेजें, हम बहुत बहुत आपके आभारी रहेंगे। मैं फिर एक बार आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा बेस बढ़े और हम अपनी जानकारी, जो ऑथेंटिक जानकारी है, मैं हमेशा आपको कहता हूँ, हम वीडियो चाहे 2 दिन में 4 दिन में 10 दिन में लाएं, लेकिन जो लाएंगे वो ऑथेंटिक जानकारी लाएंगे। फॉल्स प्रोपागंडा और झूठी चीज़ें और र्यूमर्स हम कभी नहीं फैलाएंगे। सिर्फ हमारा एक मकसद है इस चैनल को, इस चैनल का, कि सिर्फ आपके लिए जो भी अच्छे समाचार हैं, अच्छी न्यूज़ है, जो आपको थोड़ा बेटरमेंट दे सके, आपके लिए, आपके भले के लिए हो, वो हम आपके साथ शेयर कर सकें। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे आपसे 2 अप्रैल को नए कलेवर, नए अंदाज में। तब तक स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी, बी हेल्दी, बाय बाय।